हेलो, आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो इसमें आपको बताऊंगा कि आप ये स्मोक बम वाली फोटो का एडिटिंग कैसे कर सकते हो कार में। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर करता वीडियो कैसे। सबसे पहले हमें टूल्स में जाना है, यहाँ से क्रॉप्स में जाना है, यहाँ से पोर्ट्रेट वाला सेलेक्ट कर लेंगे हम, यहाँ से डन कर लेंगे। इसे चलते हैं दोबारा से चलते हैं, यहाँ से हाइड फोटो में इसको लेंगे, यहाँ से फ्लिप रोटेट करके यहाँ से यू लगा देंगे, इसको इंक्रीज करके देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ इरेज पे जाएंगे एंड जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा वो इरेज कर देंगे इस तरीके से, गाइस देख सकते हो आप। हैंड भी इरेज हो गया हमारा। देख सकते हो गाइस इस तरीके से आपको इरेज कर लेना है। यहाँ पे अपने ऐसा कर मार लेना है। देख सकते हो गाइस ऐसा हम कर लेंगे, इसे यहाँ पे इरेज कर लेंगे, यहाँ पे उसे फिल कर लेंगे ऐसे करके। तो इतना हमारा हो गया है एंड ये रह गया हमारा कांच है इसका मिरर। यहाँ पे इसे मैं ऐसे कर लिया वापस, तो गाइस ये हो चुका है कम्प्लीट हमारा, जिसे हम डन कर लेंगे। चलते फिर से ऐड फोटो की तरफ, यानी ऐसा हमें एक स्मोक बॉम का पी एन जी लेना है। तो कहाँ गया स्मोक बॉम, ये रगा देख सकते हो एंड ये स्मोक का ले लेंगे पी एन जी। तो पहले स्मोक इसको चूज करते हैं हम, इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, ओपेसिटी कम कर देंगे, इरेज पे जाएंगे एंड इसकी हार्डनेस फुल कर देंगे हम, देन यहाँ से इरेज कर लेंगे हम ऐसे करके। देख सकते हो गाइस आप, यहाँ से डन करके ऑपोजिट इसे फुल कर देंगे एंड सेलेक्ट करेंगे ये स्मोक एंड से यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट हम कर लेंगे इस तरीके से, देख सकते हो आप। एंड इरेज टूल पे जाएंगे, बाकी का पार्ट है उसे इरेज कर देंगे यहाँ से ऐसा करके। एंड यहाँ से इसे हम डन कर लेंगे। चलते फिर से ऐड फोटो की तरफ, एंड यहाँ से हमें स्मोक के पेंजेस लेने पड़ेंगे अब। तो ये हो जाएगा, तो देखते ये आ चुका हमारा स्मोक, तो इसे हम यहाँ पे ऐसा लगा लेंगे इस तरीके से। एंड ये वाला इसको हम यहाँ पे इसे ऐसे लगा लेंगे एंड इसकी एक डुप्लीकेट बना लेंगे हम, इसे यहाँ पे हम लगाएंगे ऐसे करके ताकि लगे स्मोक से भरा हो पूरा। देख सकते हो इसको जिस तरीके से, एंड ऐसे हम इसे डन कर लेंगे। इतना काम हो चुका है हमारा। चलते टूल्स में एडजस्ट में जाके थोड़ी सी ब्राइटनेस एंड थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा देंगे एंड इरेज पे आके ऐसे इन्वर्ट कर देंगे, तैयार अपने फेस पे ऐसा करके मार लेंगे सब ताकि फेस थोड़ा वाइट लगे। देख सकते हो इसको जिस तरीके से आपको कर लेना है, हैंड्स पर मार गए हैंड्स आधे वाइट जाएंगे एंड ऐसा हम इसे डन कर लेंगे। सो देख सकते इतना का हमारा यहाँ हो चुका है। और चलते हैं कंट्रोल टूल में, यहाँ से थ्री डॉट में आके यहाँ से सेवी में चल लेंगे। चलते अब लाइट रूम की तरफ, यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे, जो भी फोटो ऐड की उसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखो आ चुके हैं फोटो, यहाँ से इसे ऐड कर लेंगे, आ गई हमारी फोटो इसमें। इसके कलर एडजस्टमेंट करेंगे हम, लाइट्स में जाएंगे
एक्सपोजर की कम करेंगे एंड कंट्रास्ट को इंक्रीज कर देंगे एंड इसकी हाइलाइट्स को थोड़ी इंक्रीज करेंगे एंड शेडोज थोड़ी सी डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे मतलब, एंड इसकी जो वाइट्स है थोड़ी इंक्रीज कर देंगे एंड इसकी ब्लैक्स कम कर लेंगे। चलते कलर टूल में, टेम्परेचर इसका माइनस रखेंगे एंड टिंट भी इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे टिंट, एंड वाइब्रेंस इंक्रीज कर देंगे एंड सेचुरेशन कम कर देंगे। चलते मिक्स टूल में, इसके हम फर्स्ट वाले जिसके हम लुमिनेंस बढ़ा देंगे एंड सेकेंड वाला कलर जो है उसको हम सेचुएशन थोड़ी इंक्रीज कर देंगे एंड थर्ड कलर की येलो कलर है तो इसको हम सेचुएशन इंक्रीज कर देंगे एंड ग्रीन की सेचुरेशन हम कम कर लेंगे, पूरी कम कर देंगे ऐसे। एंड ये वाला कलर है तो इसकी हमें सेचुएशन ही बढ़ानी है एंड सेचुएशन हल्की सी इंक्रीज कर देंगे एंड ये वाला कलर है इसका हमें सेचुएशन हल्की कम करनी है एंड इन दो इसकी हम सेचुएशन कम कर लेंगे, इसकी सेचुएशन थोड़ी इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ से डन कर लेंगे। चलते इफेक्ट्स में, यहाँ से जाकर क्लैरिटी इसकी इंक्रीज कर देंगे, यहाँ से विग्निट इसकी डिक्रीज कर देंगे, विग्निट डाल देंगे थोड़ा बहुत, यहाँ से शार्पनिंग बढ़ाएंगे हम इसकी एंड नॉइज रिडक्शन थोड़ी बहुत डाल देंगे। देख सकते हो नॉइज रिडक्शन डाल दिया हमने, तो भाई हमारे यहाँ फोटो बन चुकी है। एंड सिलेक्टेड टूल में आके यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नीचे से अपने ऐसे करके मार लेंगे एंड इसे हम कम कर लेंगे यू करके, ऐसे से हम डन कर लेंगे। भाई देख सकते हो इतना बन चुका है। चलते फिर से हम लाइट्स में एंड यहाँ जाकर कर्व्स में जाएंगे एंड वाइट वाला सेलेक्ट करके हमें एक तीन डॉट बना लेंगे ऐसे करके, यहाँ से इसको हम एक ऊपर लेंगे ऐसे करके ताकि फेडेड सा लुक आए इसमें ज़्यादा। देख सकते हो गाइस हमारा हो चुका है, यहाँ से हम डन कर लेंगे। भाई देख सकते हो आप पिकआर्ट में कह सकते हो लाइट रूम में कितनी मतलब 1000 फोटो बन चुकी है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।